शिवपुरी जिले में पिछले दिनों भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ में भारी नुकसान हुआ था। गुरुवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह कोलारस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों से चर्चा की। ग्वालियर चंबल संभागों में अतिवृष्टि का तांडव सभी लोगों ने देखा था। लोगों का दर्द बांटने और सरकार से लेकर प्रशासन को जगाने के उद्देश्य से गुरुवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह शिवपुरी जिले के अनेक गांवों का दौरा करने के बाद कोलारस आए, जहां कांग्रेस कार्यालय से लेकर जगह जगह उनका कांग्रेसियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। जिसके बाद जयवर्धन सिंह मीडिया से चर्चा करने कोलारस के रेस्ट हाउस पर पहुंचे, जहाँ कार्यकर्ताओं के बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने मीडिया के सवालों का बेबाकी से जवाब भी दिया और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। परेशान है, हम याद करें कमलनाथ जी की सरकार को, जब बिजली के बिल कमलनाथ जी ने 100 रुपये/100 यूनिट किए थे, लेकिन जैसी सरकार वापस भाजपा की बनी है तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, जहाँ गरीबों के बिजली के बिल कई 1000 रुपये, कई 2000 रुपये, आम जनता का शोषण हो रहा है। इसके अलावा कमलनाथ जी ने किसानों के खेती के बिजली के बिल भी आधे किए थे, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि भाजपा के राज में किसान का कनेक्शन 5 HP का है, बिल आ रहा है 7.5-10 HP का। तो ये भी एक प्रकार से बहुत बड़ा शोषण है जो भाजपा की सरकार जो आम किसान है उनके साथ कर रही है। और अभी मुझे बताया श्री प्रकाश, दुख की बात तो ये है कि जैसा मैंने कहा, फसल बर्बाद हो गई है पूर्ण रूप से, लेकिन शायद आसपास के क्षेत्र में अभी तक सर्वे नहीं की गई है। तो मैं, जो हमारे कलेक्टर साहब हैं, जो प्रभारी मंत्री जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर किसानों के हित के लिए सर्वे कब की जाएगी, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं पूरे शिवपुरी जिले में उनको न्याय मिल सके। प्रशासन के काम से कितना संतुष्ट हैं आप? प्रशासन की कार्रवाई से अभी तक जो सर्वे किया उनने, उनसे कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट की बात कहाँ आती है, आप शायद भूल गए होंगे, ये वो सरकार है जो जनबल पे नहीं बनी है, धन बल पे बनी है। और मेरा तो ये साफ मानना है, कोई भी संगठन हो, अगर कोई पाप करके सरकार बनाएगा तो कोई भला नहीं कर पाएगा।